हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होंगी, मजे में चल रही होंगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा चैप्टर टू का पार्ट फोर। और इस चैप्टर टू के पार्ट फोर में बेटा जी हमें आपसे बात करनी है मैनेजमेंट के बारे में। जो चल रहे थे हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, उनको आगे बढ़ाते हैं। और चार प्रिंसिपल्स और उनकी कुछ टेक्निक्स थी जो हम खत्म करके आ चुके थे, और अब हमें समय है अपने एक और प्रिंसिपल्स को खत्म करने का। अब दादा फियोल्स के प्रिंसिपल खत्म कर लेते हैं। दादा फियोल्स, हाँ जी, एक बच्चा कह रहा था सर जी जैसे हमारे दादाजी लंबी चौड़ी कहानी सुनाते हैं, ऐसे ही फियोल साहब ने लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी है प्रिंसिपल्स की। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ दादा फियोल हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं दादाजी ने अपने प्रिंसिपल्स में क्या क्या बोला है, 14 प्रिंसिपल्स में इन्होंने क्या क्या भाषण रखा। बेटा जी पहली बात करते हैं, इनको फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। सर जी इनसे पहले वाले दादाजी को क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। ऐसा एमसीक्यू अगर आता है तो सभी आप याद रखेंगे कि कौन से दादाजी जर्नल मैनेजमेंट वाले हैं और कौन से दादाजी साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले हैं। तो कुछ बेसिक बातें, 1841 यानी कि 1841 में इनका जन्म हुआ था, और 1925 में ये इस धरती को छोड़कर स्वर्ग या जहां भी गए होंगे स्वर्ग में चले गए थे। और कुछ और बेसिक बातें हैं जो आप यहाँ से स्टडी कर लेंगे। तो वो 14 बातें, वो 14 सिद्धांत जो दादाजी जनरल मैनेजमेंट के सिखा के गए थे, कोई बड़ी बातें नहीं है। बेसिकली एक कर्मचारी और एक मालिक, मैं बात कर रहा हूं मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, तो एक मालिक और एक उसका कर्मचारी, उनके बीच में किन किन बातों को लेके संबंध अच्छा हो सकता है, किन किन बातों को लेके संबंध लंबा चल सकता है, किन किन बातों को लेकर उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए कि उन दोनों के बीच में मतभेद ना आए, इसी बात को दिमाग में रख के ये प्रिंसिपल बनाए गए हैं। बेसिकली ये भी कह सकते हो मालिक और कर्मचारी के बीच में, या मैनेजमेंट और कर्मचारी के बीच में किस तरीके से व्यवहार अच्छे तरीके से चल सकता है, वही 14 बातें हैं। जब ये चैप्टर की लास्ट वीडियो हो जाएगी हमारे दादाजी के प्रिंसिपल्स की, तब हम आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक जरूर बताएंगे याद करने के लिए, तो डोंट मिस द एंड। तो चलिए जी बात कर लेते हैं दादाजी का पहला प्रिंसिपल। और दादाजी इस प्रिंसिपल में कहते हैं हमसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, कि हमें अपने काम को डिवाइड करना चाहिए। तो दादाजी का कहना है कि कोई भी काम जब आप करेंगे तो आपको उसको डिवाइड करना चाहिए स्मॉल स्मॉल टास्क में, यानी कि कोई भी काम सीधा नहीं किया जाता है, आपको उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उस काम को अचीव करना चाहिए। और वो टुकड़े कैसे बनाए जाएंगे? स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बनाए जाएंगे। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स का काम भी होता है, परचेज का काम भी होता है, प्रोडक्शन का काम भी होता है, स्टॉक मैनेजमेंट का काम भी होता है, और लोगों को हायर करने के लिए एचआर का काम भी होता है। तो वो कह रहा भैया देखो जी, जो अच्छे लोगों को सिलेक्ट करने में निपुण है, जिसको पता है कौन सा आदमी बढ़िया है कौन सा बेकार है, उसको एचआर में घुसेड़ दो, क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन वही है। सर जी जो खरीदने में अच्छा है, जिसकी बार्गेनिंग पावर अच्छी है, जो सस्ता और अच्छा माल लेके आएगा, तो उसकी स्पेशलाइजेशन परचेज में अच्छी है, उसको यहां निपटा लो। सर जो लोगों को माल चिपकाने में अच्छा है, कि ये बहुत बढ़िया है बहन जी, मैं कह रहा हूं मेरी बात मान लो, इसको ले लोगी तो बहुत खुश रहोगी, वरना बड़ा पछताओगी, देख लेना मेरी बात याद रख लेना आज आप, तो सर जी ऐसे आदमी को आप सेल्स में घुसा दो। सर जो आदमी टेक्निकल है, मशीन वशीन चलानी जानता है, सारे लोगों को अच्छे से मैनेज कर सकता है, उसको प्रोडक्शन की जिम्मेदारी दे दो। तो सारे काम खुद करने के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं होगा, अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर जो आदमी जिस काम को करने में स्पेशलाइज है उसको बांट दो। अगर आप ऐसा करेंगे तो काम अच्छे भी होंगे और जल्दी से भी होंगे, ये इन्होंने कहा है। तो डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं जो यहां लिखी हुई हैं, वही सारी बातें हैं जो हम अभी आपको बोलकर आए हैं, लेकिन शब्द थोड़े से प्रोफेशनल से हैं, तो आप एक बार जरूर नजर मार लीजिएगा। चलिए जी अब बात करते हैं किसके बारे में, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं, सर ये पहले से इसमें कुछ लिखा हुआ है। बेटा जी पहले जब हम क्लास ले रहे थे, जब हम पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते लाइट चली गई, बत्ती हो गई गुल, तो क्लास सारी की सारी हो गई खराब। लेकिन ये समझ में नहीं आया जब बत्ती गुल हुई तो ये गोले गुल क्यों नहीं हुए, तो गोले रह गए ऐसे के ऐसे ही, यानी कि वो सिस्टम हमारा स्मार्ट है, उसने मैनेज कर लिया, लेकिन बत्ती हमारे हाथ में नहीं है तो उसका हम कुछ नहीं कर पाए। चलिए जी अब हम बात करते हैं दूसरे मैनेजमेंट के बारे में, जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या ड्रामा है सर जी? अथॉरिटी का मतलब है टॉप लेवल वाला आदमी, तो जो टॉप लेवल वाला आदमी है वो अथॉरिटी रखता है। अथॉरिटी का मतलब उसके पास पद है, पावर है, शक्ति है। अरे सर जी मोदी जी, तो मोदी जी जो है वो अथॉरिटी वाले आदमी है, उनके पास पद है, पावर है, शक्ति है, और वो उन शक्तियों का अच्छा यूज और प्रदर्शन भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है
आप जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का समझौता रखिए। अथॉरिटी का मतलब कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनके हाथ में पावर हो। सर जी पावर लेकर वो क्या करेंगे? बेटा जी वो पावर लेके जो उनके नीचे लोग काम करते होंगे यानी कि उनके सबॉर्डिनेट्स, उनको कहें बताएंगे तुम्हें ये करना है तुम्हें ये करना है, और वो उनके साथ काम या तो कराएंगे या देखेंगे कि वो ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जी अथॉरिटी का मतलब वो आदमी जिसके पास पावर है ताकत है और वो अपने सबॉर्डिनेट को क्या करता है इंस्ट्रक्शन देता है। वही लिखा हुआ है refers to the right of an individual to command his subordinate। ये वो ताकत है जो एक आदमी के ऊपर होती है और जिसका प्रयोग वो अपने सबॉर्डिनेट्स पर करता है। ठीक है, सनी देओल वाला डायलॉग नहीं है कि यहाँ पर कुछ निहत्ते मिलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन एक निर्बल के ऊपर करें। ना 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 जी, एक ऊपर वाला आदमी यानी कि मेन आदमी, एक अथॉरिटी वाला आदमी जो मुख्य पद पर है, वो अपने अधिकारों का प्रयोग, वो अधिकार उसको दिए गए हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स पर करता है। तो जब एक आदमी अपने अधिकारों का प्रयोग अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए करता है तो उसको हम अथॉरिटी बोलते हैं। तो इसको बेटा जी हम क्या बोलेंगे? अथॉरिटी। सनी देओल के अंदाज में हम इसको बोलेंगे अथॉरिटी, कि ये मेरी ताकत है मैं इसका प्रयोग निसंदेह करूंगा। तो सर जी वो उसकी ताकत है वो उसका प्रयोग करेगा, चलिए जी शक्ति प्रदर्शन करेगा ही करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सर जी उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने सबॉर्डिनेट को, यानी कि मान लेते हैं वो टॉप पर है, उसने अपने बॉटम में बैठे हुए छोटू को कहा बेटा छोटू ये वाला काम कर दो, तो वो काम उस छोटू को करना पड़ेगा जो उसके सीनियर ने उसको दिया है, यानी कि सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को जो काम दिया है वो उस सुपीरियर यानी छोटू को करना ही पड़ेगा। सर जो ऊपर वाला आदमी है उसको सुपीरियर यानी कि अथॉरिटी किसके पास होती है? सुपीरियर के पास। और छोटू कौन होता है? जिसको मिलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो छोटू को अपनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और उसको पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए जी सबॉर्डिनेट यानी मेरे छोटू, बेटा मेरे छोटू जो तुझे तेरे सुपीरियर ने बोला है उसको तुझे काम को परफॉर्म करना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी को पूरा करना पड़ेगा। कहने का मतलब छोटू अपनी जिम्मेदारी बेखूबी निभाएगा, छोटू अपनी जिम्मेदारी में फेल नहीं होना चाहिए। जो छोटू को जिम्मेदारी दी गई है, हे छोटू तुझे वो जिम्मेदारी मरकर भी निभानी पड़ेगी। मैं मर जाऊंगा पर अपना कर्ज और फर्ज अता करके जाऊंगा। अगर इस तरीके के डायलॉग आपने सुने हैं तो वो सारे के सारे डायलॉग रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर हैं कि आपकी जिम्मेदारी है। साथ में एक बात और नीचे लिखी हुई है, क्योंकि सर ये जो ताकत का गेम होता है ना ये बड़ा खतरनाक होता है सर, जिसके हाथ में ताकत आती है वो उसको मिसयूज करने का प्रयास करता है। तो आगे लिखा हुआ है बोथ शुड गो साइड बाई साइड एंड शुड बी वेल बैलेंस्ड। बेटा जी ध्यान रखना दोनों ही साइड बाई साइड है, एक तरफ अथॉरिटी है तो उसी दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दोनों में एक मैनेज होना चाहिए, दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। कहने का मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल मैनर में होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दो। आपने छोटू को ऐसा काम दे दिया जो उसकी औकात से बाहर है तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा करेगा? मर जाएगा बेचारा छोटू, कैसे कर पाएगा काम को पूरा? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको छोटू को देनी है तो उसके हिसाब से, आपकी भाषा में कह देता हूं उसकी औकात के हिसाब से देनी है भैया जी, वरना वो काम के बोझ में बेचारा मर जाएगा, कैसे करेगा पूरा? दूसरी बात सर जो पावर दी जा रही है, जो सुपीरियर है जिसके हाथ में सत्ता है जिसको पावर दी गई है, कहीं पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा? तो जितनी जरूरत है उतनी ही पावर दीजिए, यानी कि कहने का मतलब साफ है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस्ड होनी चाहिए, पावर का गलत इस्तेमाल ना हो यह भी हमें ध्यान रखना है। तो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, अथॉरिटी यानी कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, दोनों हिसाब से होनी चाहिए, बिना बात की पावर नहीं होनी चाहिए और बिना बात की जिम्मेदारी यानी कि ज्यादा जिम्मेदारी भी नहीं देनी है। मान लो अथॉरिटी पे कोई ऐसा आदमी आ गया जिसके सबॉर्डिनेट में कुछ दोस्त भी हैं, तो एक दोस्त को बचा रहा है, दूसरे दोस्त जो दूसरा दोस्त नहीं है उसके कंधे पे सारा बोझ डाल रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं हमारे दादा जिन्होंने दिए थे 14 प्रिंसिपल। बताओ जल्दी से दादा का क्या नाम है, कमेंट में लिख दो दादा का नाम क्या था। दो दादा थे, एक साइंटिफिक वाले दादा और ये जनरल मैनेजमेंट वाले, दोनों दादाजी का नाम लिख दो जल्दी से नाम लिख दो दादाजी, वरना दादाजी की आत्मा पेपर में तुम्हें सताएगी फिर रोते फिरोगे, जल्दी से लिख दो दादाजी खुश हो जाएंगे। चलिए बेटा जी आगे बात करते हैं डिसिप्लिन। अरे डिसिप्लिन सर इससे तो हम बड़े दुखी हैं, क्लास में मास्टर आएगा आते ही कहेगा अरे रोहन सोहन मोहन होश में नहीं हो क्या, ढंग से बैठ जाओ। मोहन सोहन बेचारे डरते हुए कहेंगे सर जी हमने तो कुछ भी नहीं करा, हम तो शांत बैठे हुए हैं, हम तो बात भी नहीं कर रहे थे, हमारा नाम क्यों ले दिया तुमने बिना बात। तो बेटा जी डिसिप्लिन का मतलब केवल इससे नहीं है कि आप शांत रहो, डिसिप्लिन का मतलब इस बात से नहीं होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है आप नियम कायदे कानून के हिसाब से चलेंगे, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करेंगे और जो भी काम आपको दिया गया है बेखूबी उसे निभाएंगे।
तो काम को निभाना है, चुप भी रहना है, कायदे कानून में भी रहना है, इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के बारे में आपको लिखा हुआ है कि जब भी आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे ना साहब, तो जो भी हमने एस्टेब्लिश कर रखे हैं रूल एंड रेगुलेशन, नियम कायदे कानून को आप फॉलो करेंगे, अगर आप कानून तोड़ेंगे तो इसका मतलब डिसिप्लिन में नहीं है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, जिसका मतलब जिसको जो काम दिया जाए, जिस नियम कायदे कानून के हिसाब से दिया जाए, वो उसको पूरा करे। और दूसरी बात, मालिक अपने कर्मचारियों को भूखे शेर की दृष्टि से ना देखे, और कर्मचारी अपने मालिक को वही जो तुम्हारे मन में चल रहा है उस दृष्टि से ना देखे। तो बेटा जी, दोनों को आपस में एक दूसरे का सम्मान करना है, ओनर करना है, एक दूसरे पे भरोसा करना है। और भरोसे वाले कैसे होते हैं ये आप जानते हैं। तो हमें एक दूसरे पे क्या करना है, भरोसा करना है। कमिटमेंट एक बार अगर कर दी तो वो कमिटमेंट आपको बिना किसी बकवासबाजी के एक दूसरे के खिलाफ आपने बयानबाजी नहीं करनी है। जो भी कमिटमेंट कर दी, एक बार जो कमिटमेंट आपको दे दी जाए, जो भी आप कमिटमेंट कर दें वो पूरा कर दें। सर एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वही सलमान खान बन जाओ और डिसिप्लिन में रह के काम पूरा कर दो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बेटा जी, अब आगे बात करते हैं। ये हमारा नया प्रिंसिपल है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। आप इसको लिख लेंगे, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोती नहीं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। तो स्केलर चेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसमें आप याद रखेंगे। तो इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है जी कि ये एक चेन है, एक चेन टाइप में है। जैसे देखो ये यहां कुछ लिखा हुआ था, आपकी क्लास में भी आप अपने अपनी किताबों में देखा होगा, एक ट्रायंगल टाइप में बना रखा होगा, हिंदी में ट्रायंगल को बोलते हैं त्रिभुज। तो एक तीन भुजा वाला भुजा बना रखा होगा और उसमें यहां ए बी सी डी ई एफ, चलो आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो दिखा देते हैं, ए बी सी डी ई एफ करके आ जाओ भैया, आज नाराज नहीं होते। तो ये ए बी सी डी ई एफ, अरे भैया कैसे हुई, सुन ले भैया हमारी बात। हाँ जी, ये देखिए ये ट्रायंगल टाइप में है ना, ये हमने इसमें पहले लिख दिया था लेकिन बत्ती गुल हो गई, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सारी बातें लिखी हैं। मान लो इस जी लेवल पे बैठे हुए आदमी को आ गई कोई प्रॉब्लम और उसे इस प्रॉब्लम के लिए जाना पड़ेगा यहाँ टॉपर ए के पास, तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जी सीधा ए पर पहुंच जाए। तो ये क्या करेगा जी, वो अपनी बात अपने जो प्रीवियस सबोर्डिनेट है उसको बताएगा, सर जी वो उससे अपने प्रीवियस सबोर्डिनेट को बताएगा, और ये ड्रामा तब तक चलता रहेगा जब तक बात वहां तक नहीं पहुंच जाती है जहां की वो है। तो कहने का मतलब, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने जस्ट प्रीवियस वाले जो सबोर्डिनेट है पहले उसको बताएंगे, वो ऊपर बताएगा, यानी कि एक हायरार्की, एक सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे। चौधरी नहीं बनेंगे कि जी सीधा उठेगा ऐसे जाके कहेगा हाँ जी मुझे ये दिक्कत है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो इस नियम के तहत जिसमें आपको नियम कायदे कानून के हिसाब से एक आदमी को अपनी बात दूसरे आदमी तक लेकर जाना है, उसी को हम स्केलर चेन बोलते हैं। एक चेन के थ्रू एक आदमी अपनी बात को आगे लेकर जाएगा। तो कहने का मतलब आप एक रैंक टाइप में है, उस हिसाब से आपको फॉलो कर जाना पड़ेगा। यहाँ पर इससे क्या फायदा होगा, एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी रहेगी, मतलब जी को पता है कि मेरा सुपीरियर कौन है, और उससे पहले वाले सुपीरियर को जो अब बन जाता है सबोर्डिनेट, उसको पता है उससे ऊपर वाला सुपीरियर कौन है, ऐसे करते सुपीरियर हेड, यानी कि सबको अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से क्लियर होगी, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक लिंकिंग बनी रहेगी सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, जैसे लो लेवल का को कोई दिक्कत आएगी तो वो मिडिल को बताएगा, मिडिल वाले उस बात को टॉप को लेकर जाएंगे, लो लेवल वाला चौधरी बनके सीधा बात को लेकर टॉप पर नहीं जाएगा। ये बात जितनी जल्दी समझ जाएगा उतना बढ़िया होगा। चलिए जी, लेकिन सर बहुत इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी है, फिल्मों में देखा ना, बहुत इमरजेंसी है, अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो वो मर जाएगी या वो मर जाएगा, साहब हमें जाने दो, हम बहुत जल्दी में हैं, हम इतना सिस्टम का ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो अगर ऐसी वैसी बात है तो कोई बात नहीं, क्यों घबरा रहे हो, करने दो सीधा बात बेचारे को। अरे अगर दिक्कत में है, इमरजेंसी में है बेचारा, जल्दी में है, फंसी में है, या वही है जो आप समझ रहे हो, तो भैया ऐसी दशा में उसको डायरेक्ट बात करने दो, कौन सी आफत आ गई। इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। इसका मतलब जब सबोर्डिनेट में, मतलब ऐसा भी कर सकता है, कॉन्टेक्ट अ सुपीरियर और हिज सुपीरियर इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर स्थिति ज्यादा गड़बड़ी वाली है, ज्यादा फंसी हुई है बात और सीधा जल्दी जल्दी बोलनी है, इतना टाइम नहीं है, अम्मा कुछ बताएंगी, हमें घर जाना है, बहुत इमरजेंसी है, घर से फोन आया है, नहीं बताया तो अम्मा जी ने माल कहाँ दुका रखा, हमारे घर पहुंचने से पहले अम्मा मर जाएगी, पता नहीं चल पाएगा। तो भैया ऐसी दशा में, बहुत इमरजेंसी के केस में आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, डायरेक्ट बात करके आप जा सकते हो, या जो भी आपसे जो भी इमरजेंसी है उस इमरजेंसी के साथ डायरेक्ट डील कर सकते हो। और मान लेते हैं एफ को बहुत जरूरी है पी से बात करना, तो करा कोई सिस्टम फॉलो नहीं करना, सीधा जाओ पी से बात कर लो। इस सिस्टम को बोलते हैं गैंग प्लैंक, मतलब सीधे फैल जाओ, आप सीधे फैल जाओ, जिसके पास जाना उसी की तरफ सीधे चले जाओ, गैंग प्लैंक कर दो। वरना आपको कैसे जाना पड़ता, वरना जाना पड़ता है चैन में। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सर जी गैंग प्लैंक जो है वो एक्सेप्शन है। गैंग प्लैंक क्या है, एक्सेप्शन है स्केलर चैन के नियम का, स्केलर चैन के नियम का एक्सेप्शन है गैंग प्लैंक।
तो गैंग प्लैंक कर सकते हो, ये स्केलर चेन के नियम का एक एक्सेप्शन है, यहां पर आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हो। चलिए जी, अब बात करते हैं इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी के बारे में। अब हम आपसे चर्चा करते हैं कि लॉ ऑफ इक्विटी क्या होता है। इक्विटी का मतलब होता है बेटा जी समानता का अधिकार, लॉ ऑफ इक्विटी। हाँ जी, लॉ ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी का मतलब है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना। इसका हिंदी मीनिंग होता है मेरे बच्चों समानता का अधिकार, सब एक हैं, सब एक जैसे हैं, कोई छोटू नहीं है, कोई बड़ू नहीं है, सबका हमें सम्मान करना चाहिए। तो लॉ ऑफ इक्विटी कहता है मैनेजमेंट को हमेशा दयालु रहना चाहिए, फेयर रहना चाहिए, अनबायस्ड नहीं होना चाहिए जब वो डीलिंग करते हैं अपने सबोर्डिनेट्स के साथ। तो सभी सबोर्डिनेट्स को एक दया भाव दृष्टि से देखना है, ऐसा नहीं है एक पे तो आपकी दृष्टि बड़ी कोमल है, बड़ी साधारण है, सरल है, और दूसरे पे आपकी दृष्टि बड़ी खतरनाक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना है। चलिए जी, यही कुछ बातें लिखी हुई हैं कि यार कहने का मतलब ये है, मेन शब्द पे आए कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आपके लिए सब बराबर हैं, कानून की दृष्टि में सब एक हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विटी, समानता का अधिकार है, सबको एक भावना से एक दृष्टि से देखना है, ऐसा नहीं है किसी को कोमल दृष्टि से और किसी को कठोर दृष्टि से देखें।